नबी की बयात करने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इमाम मोहम्मद के साथ अपनी किताबों की बयात करते हैं। फरमाते हैं हदसनी ज़ौरी قال قال ابو بكر رضي الله عنه इमाम मोहम्मद ने साथ सही सना के साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जिक्र किया कि उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया और उस खुतबे में फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारे अंदर जो मजबूत आदमी है जो कुव्वत वाला है वो मेरे नबी पर जोर और जो कमजोर है तुम्हारे अंदर वो मेरे नबी कुव्वत वाले मजबूत है। यानी इस्लाम में बदतरी कुरान और हदीस की है, लोगों की बात नहीं होगी, किसी चौधरी की किसी बादशाह की किसी दलत की उसे तरजीह नहीं होगी। फिर फरमाते हैं माँ अता अल्लाह रसूल लोगों जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता रहूं मेरी इताअत करो, जब तक मैं कुरान और हदीस पर अमल करता रहूं मेरी बातों पर अमल करो, और अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो मेरी कोई इताअत और करें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने किस तरह आले हदीस का मनहज और अकीदा लोगों के सामने बयान कर दिया कि लोगों अल्लाह और रसूल के साथ करो, कुरान और हदीस में जो है इसको मजबूती से पकड़ लो, इसे मजबूती से पकड़ने के बाद कभी गुजार दो और अगर अल्लाह रसूल के मुकाबले में किसी की बात है उसे छोड़ दो चाहे कोई। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला जो बड़े जलील कदर सहाबी जिनकी फजीलत में बेशुमार हदीसें हैं, कुरान करीम की आयात जिनकी तारीख में नाजिल हुई थी, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर आया है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, तवाफ इबादत है, हाजी या उमरा करने वाला खाना काबा का तवाफ जरूर करता है। तवाफ के दौरान में सैयद उमर रजी अल्लाह तआला हजरे अस्वद का बोसा देते हैं, हजरे अस्वद उस पत्थर को कहा जाता है जो जन्नत से नाजस हो जाए, हजर पत्थर असल काला, ये काला पत्थर असल में काला नहीं था, सही हदीस में आया कि ये सफेद पत्थर था जो कि जन्नत से उतारा गया। सब वादा तू खताया बनी आदम, इंसानों के गुनाहों की वजह से लोग उसको चूमते रहे, गुनाहों की वजह से तैयार पा रहे। आगे इसमें आया कि कैमर के दिन जोर के जो इसकी तरफ इस्तेमाल करते थे जोर से चूमते थे हाथ लगाते थे या इसकी तरफ इशारा करते अगले असर को चूमते वक्त अमीर मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया इन्नी ला रहमन का हजर, हजरे असर मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, मुझे ये उम्र में मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, ला तंसा वला तज़र, ना तू नफा दे सकता है नुकसान दे सकता, नफा नुकसान की ताकत तेरे अंदर है ही नहीं, नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह मुश्किल कुशा हाजिर दवा खुला दाता होश पूरी कायनात का रब बरबूद से होता है, किसी मखलूक के पास नफा नुकसान की कोई ताकत नहीं, ला तंसा वला तज़र, ना तू नफा दे सकता है नुकसान दे, लौला रे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका, अगर मैं ये न देखता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे चूमते थे मैं तुझे कभी न चूमता। गौर करें कि सही हदीस में अमीर मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला ने जो बहुत बड़े आले हदीस मुजाहिद थे उन्होंने दो अकीदे समझाए, एक तो मीन समझा दी
कि लोगों शिरक ना करना, लोगों को हीद को मजबूती से पकड़ना, और दूसरी तरफ सुन्नत समझा कि तुम्हारे सुन्नत नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, यह समझा दिया। और सैयद उमर रजी अल्लाह तआला का एक और वाकया जो कि सही बुखारी में लिखा हुआ है, किताब मुनाफिक में लिखा हुआ है, सैयद उमर रजी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब आए सुबह की, तो एक काफिर मस्जिद में जहरीला खंजर लेकर छुपा हुआ था, छुपा गया। अब उन लोगों के रोज काफिर ने अमीर मोमिन पर हमला कर दिया, उसने खंजर के साथ छुरी के साथ तेज हमले किए, जिसकी वजह से सैयद उमर रजी अल्लाह तआला जख्मी होकर गिर गए। वो सहाबा ने तो पकड़ एक और की, उसने उन्हें भी शहीद कर दिया, और फिर खुदकुशी करके मार दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला को चारपाई पर डाल दिया, उन्हें उठाकर जान लाया गया। मुसलमानों का जलील कदर खलीफा इस दुनिया से जा रहा, जख्मों से खून दे रहा। सही बुखारी में आया है कि उन्हें दूर चलाया गया, वो पेड़ के रास्ते बाहर आ गया। एक दूसरी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और फितनों के दरमियान दरवाजा है, एक दरवाजा है। आपने फरमाया कि ये दरवाजा उमर, पूछा गया कि क्या असल में हमारा इलाका है कदर मुझे उन्हें दूर बुलाया गया, वो बाहर आ गए, उन्हें आपको अभी सुना रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे और पितरों के दरमियान दरवाजा है, और फरमाया कि यह दरवाजा उमर है। पूछा गया कि क्या यह दरवाजा खुलेगा या यह दरवाजा टूटेगा, आपने फरमाया कि यह दरवाजा टूटेगा, तो आज यह दरवाजा टूट गया। सहाबा इकराम रहीम के रो रहे थे, आपको सुना दू जाए, ये आज हदीस का वाक्य समझा, बहुत सही वाक्य है, जहीन वाक्य में बयान करने का कारण नहीं, अपने दस हो गए अपने बिरादा में तमाम वाले इस बेचारे की सही बात है। जाती जो वाइस बड़े सोच साल के साथ जहीर को बिना से निर्वाचन बयान करते हैं, ये सही नहीं है। और इसी तरह मेरे दोस्तों में से मोहम्मद नवाज चीमा साहब जो है ना, हम आपको रिवाइज देंगे, बहुत जबरदस्त उसके रहे जी सही आदमी का, अल्लाह आपको जजाए देती। इसी तरह हमारे अंदर हमें अब्दुल मनान जो मेरी अपने दौर का, और इसी तरह बहुत लोग हदीस के उलमा है, वो सारे कोशिश करते हैं कि सही हो आया जाए। तो एक लड़का सैयद उमर रजी अल्लाह तआला के पास आया, तो उस लड़के ने आकर तारीफ की, उन्होंने कहा कि चचा आप हम में इंतहाई मेरे के, हम सब आपसे राजी हैं, आपने अल्लाह के दीन को नाफिज किया, दीन को कायम किया। जब वो लड़का वापस चला ना, सैयद उमर रजी अल्लाह तआला बेटा पसता जो इजार है उसकी सलवार इजार कब्रों से नीचे। आप गौर करें कि जब आदमी पर मौत का वक्त आ जाए, उसे दुनिया की होश नहीं। हमारे गांव में एक आदमी था जो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करता था कि रात को बड़ा होने कुछ नहीं, जरा अगर किसी को जुकाम हो गया अस्पताल ले जाता, कहते वो नजर आया रुपये के ऊपर बात के बाद करके आपके बच्चे अंदर मौत तो है ना मौत, लेकिन ये आम लोगों की अरे ईमान की मौत उसकी दूसरी शान होगी।